एक नशेड़ी पिता ने अपनी हैवानियत की हदें पार कर दी। उसने नशे की हालत में बेटी को चाकू से गोद डाला। मामला मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव का है, जहां एक नशेड़ी पिता को खाना देने में बेटी को थोड़ी देर हुई। इसके बाद पिता ने हैवानियत दिखाई और कमरे में ले जाकर पहले तो उसकी पिटाई की और बाद में चाकू से उसे गोद डाला और घर से फरार हो गया। घटना के वक्त लड़की की मां बाहर थी और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक बताया, उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पति पत्नी के झगड़े में बताया जा रहा है कि बच्ची को चाकू लग गया है और लेकिन उसके पिता अभी फरार चल रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर और प्लस मैंने सीओ जो हमारे लेडी ऑफिसर हैं वहाँ पे उनको कहा है कि वो उनके मदर से, लड़की के मदर से और लड़की से बात कर लें ताकि कुछ और भी चीजें इसमें संज्ञान में आ रही हैं कि पिता के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो हमने एग्जामिन किया है उसमें चाकू भोंकने का एक घाव उसके पेट में है और उसकी वजह से मरीज की नब्ज और मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो गया है। आंत में संक्रमण की संभावना है। मरीज गंभीर हालत में है, इलाज कर रहा है, इलाज चल रहा है।